तो हेलो मेरा फैमिली, कैसे हो? तो यार आज का टाइटल थंबनेल भी आपने पढ़ लिया होगा। तो यार आज हम एग्जैक्टली कंपेयर तो नहीं यार, लेकिन थोड़ी मतलब हर एक के बारे में बात करने वाले हैं कि किसने हमारा बचपन किस तरह से अच्छा बनाया है। पूरा कंपैरिजन तो नहीं है यार, क्योंकि किसी भी एनीमे वगैरह का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता यार। सब अपनी जगह पे बेस्ट है और कोई ना कोई किसी के लिए बेस्ट है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे एंड तक ज़रूर देखना। और यार लाइक का बटन दिख रहा है और सब्सक्राइब का भी बटन आपको दिख ही रहा है, तो यार उसे भी ज़रूर से दबा लेना। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार हम सबसे पहले सबका प्यारा दोस्त हमारा डोरेमोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार डोरेमोन के पास भाई क्या है? डोरेमोन के पास है उसकी एक पॉकेट, और उसमें से वो निकालता है नोबिता के लिए गैजेट। और यार शिनचैन के पास क्या है? यार शिनचैन के पास ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन यार शिनचैन के पास है उसकी मस्ती, वो जो इसका लड़कियों के छेड़ने का टैलेंट है कि वो किसी भी बड़ी दीदियों से बात कर लेता है। तो यार इस मामले में तो अगर हम बेस्ट टैलेंट की बात करें तो यार मुझे शिनचैन का टैलेंट पसंद आया, और डोरेमोन का तो भाई उससे भी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि यार उसके पास गैजेट है। और यार अब दोस्त के बारे में बात करें तो यार डोरेमोन का दोस्त है सबसे अच्छा है नोबिता, और यार नोबिता उसका सबसे अच्छा दोस्त है, और वो उसी को अच्छे अच्छे गैजेट्स भी निकाल के दे देता है। तो यार अब शिनचैन के बारे में बात कर लेते हैं। यार शिनचैन का अच्छा दोस्त तो खैर एक तो नहीं है, लेकिन यार ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं वैसे ही बात करूँ, मुझे जो लगता है यार, मेरे हिसाब से वो अपना सच्चा दोस्त मसाओ को मानता है। आपका क्या है इस बात पे कहना, ज़रूर से बता देना। यार मेरे हिसाब से तो वो मसाओ को ही अपना सच्चा दोस्त मानता है, क्योंकि मैंने जितने भी एपिसोड्स में देखा है वो सबसे ज़्यादा मसाओ से ही ज़्यादा अटैच रहता है, और मसाओ भी उसके साथ अच्छे से रहता है। खैर वो कजामा के साथ भी दोस्ती बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कजामा उसे उतना मतलब वो नहीं करता है रिएक्ट, लेकिन मसाओ उसका सबसे अच्छा दोस्त इसलिए मुझे लगता है। तो यार अगले बारे में बात करते हो, यार डोरेमोन को पसंद है मतलब डोरा केक्स, ठीक है? तो मतलब डोरेमोन को पसंद है डोरा केक्स, और वो बहुत ही पसंदीदा रंग से डोरा केक्स खा लेता है। और यार शिनचैन की पसंद के बारे में बात करते हो, वो पुडिंग ज़्यादा अच्छे से खा लेता है, और मतलब पुडिंग जो खा वो चुरा उरा के भी खा लेता है, उसकी मम सो जाती है तो ऐसी चुरा के खा लेता है। और यार डोरेमोन के बारे में बात करते हो, डोरेमोन को डर लगता है चूहों से, ठीक है? डोरेमोन को डर लगता है चूहे से, कोई भी चूहा आ जाए तो वो भाई उछल के भाग जाता है। और यार शिनचैन को किसी से वैसे डर तो कुछ खास नहीं है, लेकिन यार उसको शिमला मिर्च नहीं पसंद है, क्योंकि वो शिमला मिर्च से तो भाई जब भी वो शिमला मिर्च को देखता है वो उसका मूड पूरा ख़राब हो जाता है, वो निकाल के फेंक देता है ऐसा कुछ। तो यार अगले बारे में बात करते हो, यार डोरेमोन के पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, जैसे कि बैम्बू कॉप्टर ये वो, और बहुत कुछ ज़्यादा ही गैजेट्स हैं जिसका वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर लेता है। यार वो है एक रोबोट, और वो आया है 22nd सेंचुरी से। और यार शिनचैन के बारे में बात करें तो यार उसके पास कुछ गैजेट्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन यार वो अपने दोस्तों के साथ ही बहुत ज़्यादा खुश रहता है, और उसके पास भी काफ़ी अच्छा टैलेंट है, और वो है एक रियल इंसान, और वो है इसी सेंचुरी का जो हमारी सेंचुरी है। और यार वो हमेशा से ही 5 साल का है, और डोरेमोन की तो कोई एज है ही नहीं, क्योंकि वो एक रोबोट है। तो यार ये थे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स। यार आप बताओ आपका फेवरेट कौन है? मैं जानता हूँ कि यार आपका भी भाई कुछ तो को लोगों का सिर्फ डोरेमोन ही होगा। यार अगर मैं अपना बताऊँ तो यार मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन यार आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर से छोड़ देना। और एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट कंपैरिजन वीडियो नहीं था यार, इसमें मैंने सबकी खासियत बताई है। तो यार अगर हम बात करें डोरेमोन और शिनचैन में से कौन जीता है, तो भाई इसमें जीता है डोराचैन, ठीक है? मतलब थोड़ा मजाक था यार, इस गंदा सा जानता हूँ। तो यार इसमें जीता है कुल मिला के शिनमोन, ठीक है? डोरेचैन या शिनमोन, ठीक है? मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है इसमें कोई जीता जाती नहीं थी यार, मैंने बस एकदम नॉर्मल कंपैरिजन तो नहीं, बस एक एक खासियत बताई है। तो यार आप बताना आपका कमेंट में आपको क्या लगता है इस बारे में, और ज़रूर से मेरे लिए भाई एक अच्छे अच्छे से कमेंट छोड़ देना। तो यार आज की वीडियो में यही था, तो वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड सी यू सून गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।